नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए महाआंदोलन में जो कि 18 दिसंबर को होने वाला है। आप सभी को पता है आयोग 2018 से क्या मजाक कर रहा है बच्चों के साथ, है ना। तो आप सभी लोग को आना चाहिए एक साथ मिल करके, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और अपना विरोध प्रदर्शन को बढ़िया सफल बनाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बच्चों ने सफल किया अपना विरोध प्रदर्शन को, वैसे ही आपको सफल करना है एकदम। मुख्य परीक्षा की कॉपियाँ दिखाने और समय पर रिजल्ट देने समेत बाकी मांगों को लेकर युवा अब महाआंदोलन करने वाले हैं। 18 दिसंबर को एमपीपीएससी के दफ्तर पहुंचकर उम्मीदवार बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपेंगे। उससे पहले सोशल मीडिया पर ये युवा बड़ी जंग का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल एमपीपीएससी की कई भर्तियों से जुड़े मामले कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, जिससे युवाओं का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। उनकी प्रमुख मांगें देखें तो मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाएं और मार्कशीट जारी हो, 2025 की राज्य सेवा परीक्षा के लिए कम से कम 700 पद निकाले जाएं, 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो और प्रारंभिक परीक्षा के पेपर बनाने में गलतियां ना हो। अब इन मांगों के उठने की वजहों पर आते हैं। दरअसल एमपीपीएससी ने 2019 के बाद से मुख्य परीक्षा की कॉपियां उम्मीदवारों को नहीं दिखाई है। फिलहाल 2019 समेत 2020 और 2021 की अंतिम भर्ती पूरी हो चुकी है और 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि कॉपियां नहीं दिखाए जाने से उन्हें अपनी गलतियां पता नहीं चल पा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉपियां दिखाने में कोई कानूनी रोक भी नहीं है। ये फैसला एमपीपीएससी ने खुद के स्तर पर लिया है। इधर आयोग 2025 की राज्य सेवा परीक्षा का शेड्यूल 16 फरवरी को तय कर चुका है। हालांकि अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है और आयोग ने दिसंबर के आखिर तक नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है। दूसरी तरफ उम्मीदवार 2025 में पदों की संख्या बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में सिर्फ 110 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिस वजह से अब तक के सबसे कम 1,89,000 उम्मीदवारों ने ही फॉर्म भरा था। वहीं 2023 में आयोग ने 229, 2022 में 457, 2021 में 290, 2020 में 261, 2019 में 571, 2018 में 202, 2017 में 190, 2016 में 225, 2015 में 358 और 2014 में 591 पदों पर भर्तियां निकाली थी। इसके अलावा 2023 की मुख्य परीक्षा मार्च 2024 में ली जा चुकी है, लेकिन इसका रिजल्ट अब तक नहीं आया। इससे जुड़ा केस हाई कोर्ट में चल रहा है और एडवोकेट जनरल बार बार सिर्फ रिजल्ट घोषित करने की बात ही कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा है। अब 11 दिसंबर को हाई कोर्ट में फिर रिजल्ट के मामले पर सुनवाई है। कुल मिलाकर एमपीपीएससी की लेट लतीफी और बद इंतजामी पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। इससे पहले भी आयोग की मनमानी के खिलाफ युवा आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा अब 18 दिसंबर को फिर से महाआंदोलन की तैयारी की गई।